जहाँ पर कहा जाता है कि कोर्टरूम ड्रामा फिल्में हमेशा काफी बोरिंग होता है, पर ऐसे कुछ कोर्टरूम फिल्म है जहाँ पर हमारे वकील ने काफी अच्छे से थ्रिलिंग, सस्पेंस और डायलॉग से एक अलग लेवल पे ले गई है इन सभी कोर्टरूम फिल्म को। तो चलिए देख लेते हैं रिसेंट कुछ बेस्ट कोर्टरूम फिल्म के बारे में। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। पर नंबर वन पर आते हैं जय भीम, और ये 2021 का तमिल लीगल ड्रामा फिल्म है और इसमें मारा सूर्या को वकील के रोल में नजर आई है और जिसका स्टोरी था एक ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड, और इसमें सूर्या ने प्ले किया है लॉयर के चंद्र का रोल। और सभी लोग जानते हैं कि फिल्म रिलीज होने के बाद ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से कितना पॉजिटिव रिव्यू मिला है इस फिल्म को, जहाँ पर इस फिल्म का स्टोरी, परफॉर्मेंस, इमोशनल टच और सोशल मैसेज इस फिल्म को ले गई है एक अलग लेवल पर। और जब पर यह फिल्म थिएटर पर रिलीज नहीं हुआ था, रिलीज हुआ था ओटीटी पर, और इसका एमडी रेटिंग मिला है 9.6 out of 10, और जो सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड पर भी एक हाईएस्ट रेटेड फिल्म है। नंबर टू वकील साहब, और ये तेलुगु का 2021 का लीगल ड्रामा फिल्म रहा जहाँ पर पावर स्टार पवन कल्याण को एक स्ट्रॉन्ग वकील के रोल में नजर आई है। और दोस्तों भले ही ये फिल्म था पिंक का रिमेक, पर ओरिजिनल फिल्म से ज्यादा वकील सब किया है बॉक्स ऑफिस पर प्रॉफिट, और साथ में इसमें रहा ज्यादा स्ट्रॉन्ग डायलॉग और एक्शन सीन्स, और पावर स्टार का परफॉर्मेंस एक कोर्टरूम ड्रामा फिल्म को काफी एनर्जेटिक किया है। जहाँ पर यह फिल्म तेलुगु का 2021 का हाइस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है और ये फिल्म रहा सुपरहिट। नंबर थ्री रुस्तम, ये 2016 का हिंदी क्राइम थ्रिलर फिल्म है जहाँ पर किलर अक्षय कुमार को रुस्तम पवरी के रोल में नजर आई है, और जहाँ पर इसमें रुस्तम ने कैसे मर्डर केस में जूझ जाते हैं वह इसमें दिखाई है, और इसमें थ्रिलिंग ट्विस्ट के साथ ये कोर्टरूम फिल्म रहा काफी एंगेजिंग। और इस फिल्म पर आके का परफॉर्मेंस के लिए उनको मिला है नेशनल फिल्म अवार्ड, जहाँ पर बजट था 50 करोड़, कलेक्शन रहा 216 करोड़, और ये फिल्म रहा सुपरहिट। नंबर फोर नंदी, और 2021 का क्राइम थ्रिलर फिल्म रहा ये, जहाँ पर अल्लारी नरेश को एक प्रिजनर के रोल में नजर आई है, और जहाँ पर नरेश को तेलुगु का कॉमेडी किंग माना जाता है, पर अपने कॉमिक रोल से कुछ हटके एक डिफरेंट रोल प्ले किया है, और जिसका स्टोरी रहा काफी रियलिस्टिक और इमोशनल टच इस फिल्म को ले गई है एक अलग लेवल पे, और जिसका ऑलरेडी हिंदी रिमेक राइट भी सोल्ड हो गई है। और बता दोस्तों ये फिल्म रहा सुपरहिट। नंबर फाइव जॉली LLB, और 2013 का हिंदी लीगल कॉमेडी फिल्म रहा जहाँ पर अरशद वारसी और बोमन ईरानी को लीड रोल में नजर आई है, और जिसका स्टोरी सभी लोग जानते हैं कि एक जूनियर लॉयर कैसे पावरफुल सुप्रीम कोर्ट लॉयर के अगेंस्ट में करते फाइटिंग वह इसमें दिखाई है, और कॉमेडी ट्विस्ट के साथ कोर्टरूम वाला स्टोरी इस फिल्म को दिया है एक अलग पहचान, और ये फिल्म रहा सुपरहिट। नंबर सिक्स बार्बल ट्रायलॉजी केस वन फाइंडिंग भज्रामुनि, और ये 2019 का कनाडा थ्रिलर फिल्म रहा जहाँ पर MG श्रीनिवास को लीड रोल में नजर आई है, और इसमें उन्होंने प्ले किया है एडवोकेट महेश का रोल, और इस फिल्म का कोर्टरूम के साथ थ्रिलिंग ट्विस्ट रहा काफी स्ट्रॉन्ग पार्ट, और इसी वजह से इस फिल्म को मिला है पॉजिटिव रिव्यू, और ये फिल्म रहा ब्लॉकबस्टर। नंबर सेवन अनियन, और 2005 का तमिल एक्शन थ्रिलर फिल्म है जहाँ पर जिया विक्रम को लीड रोल में नजर आई है, और जहाँ पर इसमें विक्रम को एक मल्टीपल डिजॉर्डर वाला आदमी के रोल में नजर आई है जिसमें एक रोल था काफी पावरफुल लॉयर का रोल, और इस फिल्म को विक्रम के कैरियर में वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रॉन्ग फिल्म माना जाता है, और ये फिल्म जीत चुके हैं नेशनल अवार्ड, और ये रहा सुपरहिट। नंबर एट OMG, ये 2012 का सैट्रिकल हिंदी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जहाँ पर परेश रावल और किरण अक्षय कुमार को नजर है, और दोनों का परफॉर्मेंस और इस फिल्म का कॉन्सेप्ट इसी कोर्टरूम फिल्म पर काफी अलग फ्लेवर ऐड किया है, जहाँ पर बजट था 20 करोड़, कलेक्शन रहा 124 करोड़, और ये रहा ह्यूज ब्लॉकबस्टर। और एक ग्रेट न्यूज ये है कि अभी इस फिल्म का सेकेंड सीक्वल यानी कि OMG 2 आ रही है, और जिसमें किलर आखी के साथ पंकज त्रिपाठी को लीड रोल में जाएंगे, और जो रिलीज होगा 2022 में। नंबर नाइन स्टूडेंट नॉन्ग वन, और 2001 का तेलुगु कमिंग ऑफ एज एक्शन फिल्म रहा जहाँ पर जूनियर एंटियर को लीड रोल में नजर आई है,
जहाँ पर स्मोनो ने एक स्टूडेंट और एक लॉयर का रोल प्ले किया है, जहाँ पर फिल्म फुल्ली कोर्टरूम रिलेटेड नहीं था, पर स्टोरी कंप्लीट करने के लिए कोर्टरूम का सीन दिखाई गई है। और जो फिल्म एनटीआर का कैरियर में एक ब्रेक थ्रू फिल्म था, और ये रहा ब्लॉकबस्टर। नंबर 10, शहीद। ये 2013 का बायोग्राफिकल हिंदी ड्रामा फिल्म है, जहाँ पर राजकुमार राव को डीड्रो मिर्जाई है, और इसका स्टोरी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और लॉयर शाहिद आजमी पर बेस्ड है। और ये फिल्म रहा काफ़ी मैच्योर्ड, रियलिस्टिक और ड्रामेटिक। और था दोस्तों, राव ने इस फिल्म पर अपनी परफॉर्मेंस के लिए जीता है नेशनल अवार्ड। नंबर 11, मेलविल असम। ये 2011 का कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है, जहाँ पर सूरज गोपी को लीड रोल में जाई है, और इसमें कैप्टन वर्मा का किस को दिखाई है। और तो दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फिल्म को सिर्फ एक रूम पर की गई है शूट, और जिसका शूटिंग पर सिर्फ 9 डेज का टाइम लगा था, और इस फिल्म को मिला था काफ़ी क्रिटिकल एक्लेम। नंबर 12, बुद्धिवंता। ये 2008 का कन्नाडा ड्रामा फिल्म है, जहाँ पर रियलिस्ट उपेंद्र को लीड रोल में जाई है, और इसमें उनका टोटल 7 डिफरेंट शेड दिखाई है, और इसमें पंचमुथा का केस को काफ़ी अच्छे से की गई है हैंडल। और अतः दोस्तों, जहाँ पर 2008 का कन्नाडा का हाइस्ट कॉस्टिंग फिल्म था, और ये फिल्म 100 डेज तक थिएटर पर रन करके बॉक्स ऑफिस पर रहा ब्लॉकबस्टर। नंबर 13, अनंतु वर्सेस नुसरत। ये 2018 का कन्नाडा रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जहाँ पर विनय राजकुमार को लीड रोल में सही है। इसमें एडवोकेट अनाथु अपने कोर्ट का लॉयर एक हिंदू लड़की नुसरत की प्यार में पड़ते हैं, और एक लव स्टोरी के साथ जुड़कर इस कोर्टरूम को काफ़ी इंटरेस्टिंग की गई है, और ये फिल्म रहा सुपरहिट। दोस्तों, ये रहा 20 एज का एरा में कुछ बेस्ट कोर्टरूम ड्रामा फिल्म के बारे में। तो ऐसे फिल्मों से कौन सा आपका फेवरेट है कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी करिएगा, और इसके बॉलीवुड साउथ इंडियन अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।